Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद तमाम नेताओं को अलग अलग मामलों में जेल जाना पड़ रहा है। जैसे कि मंत्री सत्येंद्र जैन की बात करें, उसके बाद दूसरे नंबर के अरविंद केजरीवाल के बाद आने वाले यानी कि मनीष सिसोदिया भी अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं। इस कड़ी में अब जो है आम आदमी पार्टी के शेर की तरह दहाड़ने वाले संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और पूरा मामला क्या है चलिए जानते हैं। दरअसल बात करें तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 11 घंटे पूछताछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी की गई है। सुबह 6:30 बजे संजय सिंह के घर पहुंची ईडी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का नाम था। बुधवार को सुबह 6:30 बजे ईडी आप सांसद के घर पहुंच गई थी। लोकल थाना पुलिस से भी कोई जानकारी साझा नहीं की गई। शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा को सरकार गवाह बनाने के अगले दिन ईडी ने संजय सिंह के 125 नॉर्थ एवेन्यू स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी किया था। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा, कि संजय सिंह के अनुरोध पर उसने दिल्ली के रेस्टोरेंट और बार मालिकों से 82 करोड़ रुपए जमा करके मनीष सिसोदिया को चेक के रूप में पार्टी फंड के बहाने दिया था। उस पैसे का इस्तेमाल उस दौरान आने वाले विधानसभा चुनावों में किया जाना था और इसी बयान के बाद जो है कहीं ना कहीं मुश्किल में संजय सिंह पड़ते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कथित घोटाले में अब तक कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। संजय सिंह शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तारी होने वाले 13 व्यक्ति हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। संजय सिंह के यहाँ रेड पर केजरीवाल क्या बोले? ईडी के संजय सिंह के घर छापेमारी पर दिल्ली के सीएम ने आम आदमी पार्टी का सांसद का समर्थन करते हुए कहा था कि मोदी जी चाहे जितने छापे कर लें, ईडी को आप सांसद के आवास पर कुछ भी नहीं मिलेगा। अब 1000 से ज्यादा छापे हो चुके हैं लेकिन एजेंसियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है ये बखूबी आप जानते होंगे। बाकी इस पर बताइए। धन्यवाद।